स्टार्प्लस के पॉपुलर सीरियल गुम है किसी के प्यार में के मेकर्स ने लीप इंट्रोड्यूस किया और ईशान के किरदार को मार दिया ताकि शो की टीआरपी बढ़े और सवी की लाइफ की एक नई शुरुआत और एक नई कहानी दिखाई जाए। लेकिन अफसोस ये नई कहानी उतनी भी नई नहीं थी क्योंकि मेकर्स ने पूरी की पूरी स्टोरी एज इट इज कॉपी कर दी स्टार्प्लस के पुराने शो ये है मोहब्बतें से, जो अपने टाइम पर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो रहा था। अभी तक भी लोग उसे हॉटस्टार पर रिपीट पर देख सकते हैं, यहाँ तक कि डायलॉग्स भी कॉपीड है। अगर किसी को जानना हो कि गुम है किसी के प्यार में की आगे आने वाली कहानी क्या होने वाली है, सभी और रजत का अगला एपिसोड कैसा रहेगा, तो उसके लिए आराम से फैंस ये है मोहब्बतें के पुराने एपिसोड्स देख सकते हैं क्योंकि कहानी भी सेम है और डायलॉग्स भी सेम है। फिलहाल दिखाया जा रहा है कि कैसे सभी और रजत एक दूसरे के दुश्मन बने पड़े हैं, लेकिन अब जब सई की कस्टडी जाने लगेगी आशिका के पास तो सभी और रजत को एक दूसरे से हाथ मिलाना होगा क्योंकि दोनों ही सई से प्यार करते हैं और उसे अपनी जिंदगी में वापस चाहते हैं। इसी के चलते अभी तक टीआरपीज में कोई भी इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रही थी, तो इस कहानी के साथ साथ मेकर्स ने कुछ और ट्विस्ट एंड टर्न्स एड अप करने का भी डिसाइड किया है, और वो ये है कि ईशान की पूरी भोसले फैमिली एक बार फिर से शो में नजर आएगी, जो कि सभी की खुशियों पर एक बार फिर से पूर्ण विराम लगाती दिखेंगी। अक्कर साहिब और यशवंत राव को सभी की जिंदगी में एंटर करते देखा जाएगा, जो सभी की हैप्पीनेस को ब्लॉक करने वाले हैं, और इतनी आसानी से वो सभी और रजत और सई की फैमिली को बनने नहीं देंगे और उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे क्योंकि वो आज भी सभी को ईशान की डेथ का रिस्पॉन्सिबल मानते हैं और इसीलिए वो सभी की जिंदगी बर्बाद करने की पूरी कोशिश करते नजर आएंगे।